कहाँ जा रहे हैं हम? लॉन्ग ड्राइव पे। सुबह सुबह आज ड्राइव का कैसे प्रोग्राम बन गया? लॉन्ग ड्राइव ही चलेंगे ना। अच्छा, so now after my birthday, still my birthday celebrations is on. Oh my God, blindfold? Yes. ये क्या है? ये भी तो सरप्राइज है ना? बर्थडे वीक चल रहा है तो सरप्राइज कैसे खत्म हो जाएंगे? Oh my God. बर्थडे तो बहुत अच्छा मन गया प्रगति का, लेकिन अब ये बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। कहाँ दूर लेके जा रहे हो? थोड़ा सा थोड़ा पेशेंस भी तो रखो। पेशेंस ही तो नहीं है, यही तो बात है। अरे रास्ते प्रगति मेरे से पूछती जा रही है, कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, ब्लाइंड फोल्ड क्यों किया मेरे को? यही तो सरप्राइज है। चलो तो सही, आप तो। Oh my God, I'm so excited. ऐसे लग रहा है जल्दी सरप्राइज खुले। बस आ गए। फाइनली पंकज ने गाड़ी रोकी और मुझे उतारा। आओ आओ। कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, पकड़ा हुआ मैंने। वहीं खड़े हो, अभी पट्टी खोलता हूँ। मेरे सामने मुझे एक कार का कवर नजर आया एंड आई वाज अंदर से सो थ्रिल्ड। मैंने जैसे देखा रेड मर्सिडीज है, मेरे को लगा यार तुमने मतलब इतना सोचा। मेरा हस्बैंड इज सो नाइस कि वो हमेशा जो है मेरी विशेस जो है पूरी करते रहे हैं। थैंक यू सो मच। 24 इयर्स हो गए हमारी शादी को, बट आज तक इतना स्पेशल बर्थडे नहीं हुआ। रियली आई लव हिम। Better for you. चलो रेस लगाएं। रेस लगानी है? चलो। चलो। So हम दोनों ने रेसिंग करी, कभी वो आगे कभी मैं पीछे, कभी मैं पीछे कभी वो आगे। थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच, आई लव यू, यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। कसम से ये सरप्राइज सारे, इतने सारे सरप्राइज देके प्रगति का बर्थडे बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल हो गया लाइफ के लिए, क्योंकि मेरी बीवी प्रगति खुश तो मैं भी खुश। ये मेरी किट्टी है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंची, बिकॉज आई वांटेड टू चेक ऑल द प्रिपरेशन। सारा डेकोर और वेन्यू देख के मैं बहुत खुश हूँ। आई कांट वेट दैट मेरी दिल्ली डार्लिंग्स आए और एक एक चीज को देखें, प्रेज करें। रश्मि के किटी का थीम है महफिल, और महफिल में रंग जमाने के लिए हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आदाब, आदाब। रश्मि इज लुकिंग ब्यूटिफुल, माशाल्लाह। एक्चुअली भी शेरो शायरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो देखते हैं आज वहाँ पे क्या होने वाला है। वाओ, माय लवली। एक मिनट, आदाब, आदाब। दीप शिखा को देख के आई वाज लाइक फ्लैट। हाय मर जाना। तेरी बिंदी अमेजिंग लग रही है। शी वाज लुकिंग सो हॉट। भावना एकदम इतने सारे कपड़े पहन के आ गई मेरे पूल पार्टी में, उसके कपड़े ही नहीं दिखाई दिए मुझे। फ्रैंकली आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज भावना। रश्मि शी वॉज लुकिंग स्टनिंग, बहुत अच्छी लग रही है। दीपशिखा को देख लो, डिजास्टर लग रही है। एक तो आपका ब्लाउज इतना लूज है, उसके बाद आप कौन से जमाने की एक्सेसरी पहन कर आए हो पता नहीं। आई लुकिंग रियली ब्यूटी, थैंक यू, आई लव योर नेक पीस। सानो कैंडी, वाओ, मेरी चांदनी। आदाब, आदाब, आदाब।
अच्छी चीज, हम लोग थीम के अकॉर्डिंग आए हैं, मुगलाई थीम। मुगलाई थीम मतलब नवाबों की शौक। और मुजरा कहाँ? मुजरा कहाँ? अब ये बताओ मुजरा कराना किससे? लड़कियों का मुजरा तो नहीं देखोगे ना? नहीं, बिल्कुल सही, मेल कनीज पेश किया जाए। कोई भी आ जाएगा, मेल कनीज चलेगा अभी तो। कोई भी नहीं यार। सोना जी आपका क्या मन है? कमल नाय, जिसकी आंखें नशीली हैं, वो है ना, और जिसका शरीर गठीला हो। ओह माय गॉड, शालू जी की टोपी। उनसे पहले मुझे लगता है सबने उनकी टोपी को नोटिस किया। सी, अगर थीम का किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो इट गोज टू। थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतने फनकार हो अपने आप में ही, और आप लोगों के मुंह से सुनना इज रियली आपके कदमों की धूल है। नसीब हमारे कि आपने हमें बुलाया। आज तो मोहब्बत की रंग देख के हमारा दिल खुश हो उठा है, पर आज हमारी मोहब्बत सिर्फ आपसे है। मैंने सोचा यार आज दीपशिखा के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें इतनी इम्पोर्टेंस देती है। सारी इम्पोर्टेंस आपके लिए है आज। सीरियसली, जो या दिल से कह रही है ना, दिल को छू के देखिए, ये आप ही के नाम धड़क रहा है। सजन बड़े संगी मान्या और दीपशिखा तो माय गॉड, ये तो पता नहीं आज फुल मूड में है। मुझे तो लग रहा है इन दोनों को अपनी अलग ही किट्टी कर लेनी चाहिए। उनको तो पता ही नहीं लग रहा कि और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बातें करनी है। मैं क्या बताऊँ, आज तो हमारी निगाहें बस आप पे हैं। आई रियली विश कि आप आदमी होते। और उसके बाद मैं आपको घर ले चलता। महफिल में परी आई है। आदाब आदाब। एक्सेस में मीठापन, एक्सेस में झूठा प्यार, और प्यार तो खैर किसी में भी नहीं है, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब से रौनक ने अनाउंसमेंट करी है कि अब ऑडियंस वोट करेगी, तो सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। तो अब सब लोग कुछ एक्स्ट्रा स्वीट हो गए हैं। आज बिछड़े दोस्त और बिछड़े प्यार करने वाले एकजुट हो रहे हैं। पर ये बताइए, ये प्यार झूठा तो नहीं है ना? मान्या जी जो हैं एक्चुअली में हर किसी को अपने अपने तरीके से खुश करके देख चुकी हैं। उन्होंने एक बारी प्रगति को भी अपने बोली से घायल कर दिया है। सीमा के ऊपर भी ये तीर चला चुकी हैं। अब बची मैं ही हूँ, तो उन्हें लगा कि चलो अब इसकी बारी है, तो जरा इसको भी आज थोड़ा प्यार मोहब्बत से फंसा लिया जाए। हमारी आंखों में देखिए, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दिया जाए। हाँ, बहुत जरूरी है। कोने में जाओ, खुपचे में होकर वापस आइए। हमें कोने की जरूरत नहीं है, हम पूरे भरी महफिल में अपने प्यार का ऐलान करते हैं। वाह 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 वाह। हम इस पर आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं। इरशाद 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 इरशाद। तुमको देखा तो ऐसा लगा मान्या, तुम जैसा कहीं दोस्त ना मिलेगा। पर जालिम, हमको क्या मालूम था तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। ये हमारी तौहीन है, नहीं। तो आज मेरे फ्रेंड हैं निर्मेश, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो मैंने आज उनको इनवाइट करा है। निर्मेश, कितनी खूबसूरत महफिल सजी है, कितने खूबसूरत लोग बैठे हैं, सभी का महफिल में इस्तकबाल है। दिस इज रीफ। हाय, आज इन सभी को देखकर लग रहा है आसमान के सभी सितारे हमारी महफिल में यूं बिखर गए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। और बात पर गौर फरमाना कि आसमान में तारे तो बहुत सारे होते हैं, चांद का टुकड़ा एक होता है, हमारी महफिल का चांद का टुकड़ा। रश्मि सचदेवा, जोरदार तालियां। थैंक यू, आपकी इसी अदा के तो हम कायल हैं। ज़हनसीब, ज़हनसीब। तो शालू जी, आप कितनी खूबसूरत बुक बना के लेके आई हैं, और इसमें हम सबके लिए
इस बुक से भी ज्यादा खूबसूरत शायरी है। तो आप शालू जी प्लीज आए और आप बोलिए ये लाइन। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर गिविंग मी द चांस। शाद बोल दीजिए। शाद फर्स्ट आई विल डू फॉर पूजा माय स्वीटहार्ट डार्लिंग कि तकदीर लिखने वाले मुझ पर एक एहसान कर दे। तकदीर लिखने वाले मुझ पर एक एहसान कर दे कि मेरी प्यारी दोस्त पूजा की तकदीर में हमेशा मुस्कान लिख दे। बहुत ही टची लगा मुझे, लगा कि देखो उसको मेरी कितनी फिक्र है कि मैं रोई थी लास्ट किटी में। उस किटी में तो शालू आई भी नहीं थी, बट उसको इतना पता लगा होगा कि पूजा किटी में कितना रोई है, तो उसको दुख हुआ होगा, तभी उसने इतने प्यारा शेर मेरे लिए लिखा। फिर बहुत अच्छा लगा। दिल पे जो खराशे हैं, इज रियली वेरी स्वीट गर्ल। तुझको ये तराशे हैं। एंड सीमा कि यूं तो काफी मिर्च मसाले हैं इस जिंदगी में, यूं तो काफी मिर्च मसाले हैं इस जिंदगी में, पर तुम्हारे बिना जायका फिर भी फीका ही लगता है। एक राउंड और ताली सीमा के लिए। यस आई एम द स्पाइस ऑफ लाइफ जो उसने मुझे बोला। ऑफ कोर्स सीमा के बिना लाइफ में कोई मजा भी नहीं है। एंड सोना दिस वन इज डेडिकेटेड टू यू एंड फॉर योर फैमिली। दैट्स सो स्वीट। कि कैसे कह दूं कि कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं, न जाने घर के कितनों को हौसला हूं मैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत सोना। जैसे कि पता है हमें कि ग्रैंड मदर है वो, और उसके ऊपर एक्चुअली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये सोच करके मैंने उन पर ये शेर लिखा। शालू जी ने तो बहुत अच्छा बोला, मैं हमेशा घर में कुछ भी प्रॉब्लम है सबको साथ लेके ही चलती हूँ, और आज भी लगता है कि घर में जब भी कोई बात बोलती हूँ वो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ आई रूल द फैमिली। एंड दिस वन इज फॉर रीना। रीना जो मेरे दिल की अजीज थी, है और हमेशा रहेगी। थैंक यू शालू। कि मैंने सुना था कि अक्सर कहा सुनी में लोग बदल जाते हैं, पर मैंने उन लोगों में तुम्हें कभी गिना ही नहीं था। क्या बात। आई लव यू। थैंक यू। लव यू टू। शालू ने जो शायरी मेरे लिए बोली वो मेरे दिल को छू गई एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। रीना तुम मेरे लिए हमेशा अजीज थी, अजीज है और अजीज ही रहोगे, और वाकई में वो दिन लौट भी आया, हम फिर से दोस्त हो गए। और कौन अपने दिल के एहसासों को लेकर आज हमारे बीच मंच पर उतर सकता है? मान्या, 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 वी वांट मान्या। बिल्कुल बिल्कुल, जज्बात और एहसास सब आज भरे पड़े हैं। तो दीपशिखा थोड़ा गौर फरमाए। वो खुशबू कहाँ गुलाबों में, वो खुशबू कहाँ गुलाबों में, जो खुशबू तेरे शबाबों में। नशा कहाँ शराबों में, जो नशा है तेरी आंखों में। क्या बात है। आज हमारी किट्टी में प्यार कुछ ज्यादा नहीं बह रहा, बहुत शुगर ना हो जाए। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों में इतना प्यार। दीपशिखा ने तो देखा ही नहीं कि पूजा कहाँ बैठी है, किस कोने में बैठी है। उसको तो मुझे लग रहा है कि मान्या के प्यार में वो आज पागल हो गई। आज की महफिल के लिए ये हमारी है। क्या बात। और कल किसकी होंगी ये भी नहीं पता। नया नया प्यार है। देखो हुस्न वाले कबूतर की नस्ल होते हैं, कभी इसकी कभी उसकी बगल में होते। गर्ल्स आप लोगों का फ्ली मार्केट का क्या रहा, मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मस्त। एंड थैंक यू पूजा कि तुम्हारा स्टॉल बहुत इनोवेटिव था, बट मेरा ना ज़्यादा अमाउंट जोड़ नहीं पाया। एक बात में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली डार्लिंग्स मेरे स्टॉल पर आई, अपना पर्स घर छोड़ कर आई। और किसी ने पैसे नहीं दिए मेरे को। कोई नाम बताओ किसने पर्स घर छोड़ा। मान्या, सीमा, रश्मि, मेरे को पैसे नहीं दिए। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो।
करेगी। 4x6 की फोटो 1000 रुपए की रख दी, जो हमारे मोबाइलों में फ्री होती है। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है सारी की सारी, हम ये करते हैं चैरिटी में, वो करते हैं। जो तुम्हारी फ्रेंड कुछ चैरिटी के लिए कुछ कर रही है तो तुम उनको एटलीस्ट कम से कम पैसे तो दे के जाओ फोटो के। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं शायरी भरा क्विज। क्विज क्विज हम लोग कुछ इशारे देंगे और आप सभी को गेस करना है कि ये किस शख्सियत की बात हो रही है। गौर फरमाएं, जो घर पर राज करती है, बातें बेबाक करती है, जो वो जब ऑफिस में जाती है बहुत पैसा कमाती है। वो उस बाग का पंछी है जो डालें बदलता है, वो उस थाली का बैंगन है जो थाली बदलता है। अब गौर फरमाएं। ये बोलते ही मुझे समझ आ गया कि भाई मान्या तुम होने वाली हो टारगेट। अब दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम विक्टिम बन जाओ, जो कि ना मैं हूँ और ना मुझे बनने का कोई शौक है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी यार, तुम सब बच्चे हो मेरे सामने, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। या तो बड़े प्यार से अपना ही इस महफिल में मजाक बना लो ताकि कोई तुम्हारा मजाक बना ही नहीं सके। वो तो सिर्फ मान्या ही हो सकती है। अब ये पता नहीं कि ये रश्मि ने इनको बोला था कि आप मान्या के लिए ऐसे बोलो या उन्होंने खुद ही बोल दिया, पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। समझदार को जिसको कहते हैं इशारा ही काफी होता है, तो हम सिर्फ वो एक इशारा उनको देना चाहते थे और वो इशारा मान्या को मिल गया था। कल हमारी थाली में थी, आज उस थाली में है, आज इस थाली में छेद करके उसमें खाने वाली है। Oh my God! Thank you, सीमा, इतने अच्छे से, इतने करीब से मुझे जानने के। अरे हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं, हम आपके दिल में ही तो रहते हैं। Hello. Hi. So late, but I made it. Yes. भैया हम काम करने वाले लोग हैं, फायदा नहीं है। हम ही तो यहाँ पे आए हैं लंगर खाने। हम कामकाजी महिलाओं की तकलीफ समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। नहीं जी, एक्चुअली मैं हम सबको समझती हैं कि हम सिर्फ अपने पतियों का पैसा उड़ाते हैं और किटी पार्टीज में जाते हैं। एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत दुखी हो चुकी हैं जीवन से, उनको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। हाँ जी, क्या हाल है मोहतरमा? ऐसे लग रहा है मैं मुगले आजम के ज़माने में आ गई हूँ। और आप अंडर ड्रेस्ड हैं। हम तो ऐसे हैं। If you have so much of a problem coming to Kitty, please don't come to our Kitty यार। So much so, तुमने अपनी दोस्त भावना को क्यों Kitty join कराया? At least learn something from her। आके सबसे मिलती है, बात करती है, कम से कम मुंह सड़ा के कोने में तो नहीं रहती और attitude तो नहीं दिखाती ना हजारों। मैं अगर या तो किटियाँ करती रहूँगी या काम करूँगी। So जो जो सोचता है उसको सोचने दो, but I'm used to it now। ये हमारी नादान सीधी सी सबकी प्यारी न्यारी पूजा के लिए। पूजा, असीमा तुम इतनी पोलाइट कैसे हो? आंखों से आंसू की विदाई कर दो, आंखों से आंसू की विदाई कर दो, दिल से गम की विदाई कर दो। अगर मन ना लगे कहीं तो कृपया हमारे घर की आके सफाई कर दो। तुम्हारे पेट छूट लेगा। वाह पूजा जी वाह, आपसे यही उम्मीद थी हमें। सीमा तो आपको पता ही है कितनी मुंहफट है, वो एक बार भी नहीं सोचती कि किसी को बुरा लग रहा है, भला लग रहा है उसकी भला से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा जी का जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, जो बाकी जो महिलाएं हैं जो घर पे पूरा अपना टाइम दे रही हैं, उनको लगता है कि वो सिर्फ घर पे झाड़ू पोछा ये सब करने के लिए ही बनी है। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी लेडी का दिल ना दुखाए ऐसे शेर बोल के। तो गाइज अब टाइम आ गया है किटी निकालने का। किसकी किस्मत खुलने वाली है? आप पढ़ो नाम। बिहार के मंत्री का नाम है लालू प्रसाद। लालू, और किटी निकली है शालू। मेरी जो किटी अनाउंस हुई है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा थीम रखूंगी और अपना कोशिश करूंगी कि कोई मनमुटाव ना हो और सब लोग किटी को एंजॉय करें। आई हैव गॉट अ केक फॉर प्रगति, इट वाज हर बर्थडे यस्टरडे।
शेर हम भी सुनाना चाहेंगे। इरशाद इरशाद। महफिल में की गई थी हमारी कत्ल की तैयारी, जब हम वहाँ पहुँचे लोग बोले आपकी उम्र बहुत लंबी है। यस, अभी बहुत लंबी उम्र है। अब ये बताओ ये किस पे होने वाला है? गैस। उसी वक्त सबकी शक्लें बन गई कि ये क्या है, मतलब इसने ये क्या बोल दिया, ये किसी के ऊपर है, ये पहेली है। किसी ने कोशिश करी थी मेरे कत्ल की? यहाँ खंजर किसने छुपा रखा है? प्रगति किसकी तरफ निशाना डाल रही थी तो मुझे नहीं पता, बिकॉज वो सबको ही देख रही थी। वोटिंग लाइंस खुल चुकी हैं, अपनी फेवरेट दिल्ली डार्लिंग्स के लिए वोट करें। आपके सारे वोट्स का कंबाइंड रिजल्ट फिनाले में आपकी डार्लिंग को जिता सकता है दिल्ली डार्लिंग का ताज।